क्या नाम आपका? हेमराज खट्टर। ये हेमराज खट्टर है। हेमराज खट्टर आज जो सफाई अभियान चल रहा है उसके दौरान एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं, वो क्या है वो उनसे बातचीत करेंगे। तो आप क्या करने वाले हो आज? मैं आज गरम डेरा सच्चा तरफ से अपना डेरे की तरफ से अपने किडनी दान करना चाहता हूँ मैं। जिंदे जी। जीते जी। देखिए हेमराज खट्टर ने घोषणा की है, जीते जी, किसी भी व्यक्ति को किडनी की जरूरत है तो किडनी दान करने के लिए तैयार है। जिंदा जी है। जिंदा जी, कोई बिना स्वार्थ कोई लालच नहीं। हमारे गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ये मानवता भलाई के कार्यों में हमारे गुरुजी हमेशा आगे रहते हैं और हम यही सरकार से अपील करते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी परमानेंट बार भेज दिया जाए ताकि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे हर बच्चे बच्चे का भला हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि उनके द्वारा, परम पूजनीय गुरुजी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ये हमारी सारी सात संगत सफाई अभियान में लगेगी आज। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे शहर और शहरवासियों का सौभाग्य है कि ऐसा पवित्र कार्य हांसी शहर में होने जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता ही ईश्वर का दूसरा रूप है। जनता जो काम कर सकती है वो हम कोई भी नहीं कर सकता। आज जनता जनार्दन, ये हमारी भाई बहनें सफाई अभियान पर लगेंगे परम पूजनीय पिताजी के आशीर्वाद से। तो मैं समझता हूँ कि ये काम बड़ा नेक कार्य है जो इन्होंने फैसला लिया है। ऐसा है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं होता। और जो पैरोल दी जाती है वो भी कानून के अनुसार, जिसका राइट बनता है, हर आदमी का राइट है पैरोल लेना, वो पैरोल। आज धन धन सतगुरु के डेरे के माध्यम से जो सफाई अभियान चला रहा है, इनका जो कार्य होता है वो हकीकत में सराहनीय होता है। जैसे गुजार करता हूँ हमारे विधायक लोग जाना जी के आए जन्मदिवस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं हांसी में। आपको बता दें कि संत गुरमीत राम रहीम के जो डेरा प्रेमी हैं आज पूरे शहर को साफ सुथरा करने जा रहे हैं। इनके हाथों में झाड़ू देख सकते हैं, पूरी तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ मौके पर हांसी के विधायक विनोद बैना, नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण इलावादी और नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन अनिल बंसल मौके पहुंचे हुए। शहर की करीम यहाँ पहुंची हुई है, लेकिन विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी नमस्कार। जी नमस्ते ललित जी। और ठीक हो जी? बढ़िया। तो ये क्या कार्यक्रम है आज? ये आज धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि उनके द्वारा, परम पूजनीय गुरुजी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ये हमारी सारी सात संगत सफाई अभियान में लगेगी आज। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे शहर और शहरवासियों का सौभाग्य है कि ऐसा पवित्र कार्य हांसी शहर में होने जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता ही ईश्वर का दूसरा रूप है। हमारे शहर को इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम लाख कोशिश करें, जब जनता जो काम कर सकती है वो हम कोई भी नहीं कर सकता। आज जनता जनार्दन, ये हमारी भाई बहनें सफाई अभियान पर लगेंगे परम पूजनीय पिताजी के आशीर्वाद से। तो मैं समझता हूँ कि ये काम बड़ा नेक कार्य है जो इन्होंने फैसला लिया है, तो मैं इसके लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाकी देखा गया है कि आपने भी प्रशंसा करी है संत गुरमीत राम रहीम की, बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इसको पैरोल दी जाती है तो इनको रिहाई नहीं किया जाता? ऐसा है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं होता। और जो पैरोल दी जाती है वो भी कानून के अनुसार, जिसका राइट बनता है, हर आदमी का राइट है पैरोल लेना, वो पैरोल दी जाती है। और जहाँ तक आप रिहा करने की बात कहते हैं, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हम और आप कोई मदद नहीं कर सकते। तो मानते हैं संत गुरमीत राम रहीम ने बहुत अच्छे काम किए काफी? नहीं, ये मैं क्या मानता हूँ, ये तो सारी दुनिया मानती है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लोग शीशा है, लोग आईना है, लोग जो देखते हैं उसका अच्छी तरह से फैसला लेते हैं। ये आपके सामने है, ये उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, ये तो सबको ही मानना पड़ेगा। जो नगर परिषद काम नहीं कर पाई, आज ये ड्रम प्रेमी करके दिखा देंगे सर में। नहीं देखिए, ये एक ऐसी फौज है, अब ये खाना पीना भी छोड़ सकते हैं, जिस काम के लिए लग गए ना उस काम को पूरा करके हटेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात। ये थे हांसी के विधायक विनोद बैनर्जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो काम
इशारे इशारे में कह दिया नगर परिषद नगर पाति व डेरा प्रेमी करके दिखा देंगे, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और नगर परिषद के चेयरमैन मौके पर थे, कहीं ना कहीं गर्दन हिलाते नजर आए, और सफाई अभियान इनका शुरू होने वाला है, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि हांसी के विधायक विनोद बैना जो बीजेपी के विधायक है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और उन्होंने संत गुरमीत राम रहीम की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि जो काम कोई नहीं कर पाया, और गुरमीत राम रहीम ने देश के लिए और एक अनेकों कल्याणकारी योजनाएं बनाई है और अनेकों जनहित के काम किए हैं, एक सराहना काम है। कहीं ना कहीं बाबा राम रहीम की जमकर प्रशंसा हांसी के विधायक जो बीजेपी से विधायक है विनोद बैना ने की है। बंसल साहब क्या लग रहा है आज, जो आपकी नगर परिषद नहीं कर पाई वो आज ये करेंगे? देखो दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, आज दंदन सतगुरु के डेरे के माध्यम से जो सफाई अभियान चला रहा है, इनका जो कार्य होता है वो हकीकत में सराहनीय होता है। जैसे रक्तदान शिविर लगाए, किसी गरीब की मदद करना, बारिश के टाइम में जैसे पानी की और की बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, इसमें कोई चोट नहीं। मैंने 2010 में इनकी साफ सफाई अभियान चलाते हैं, इनको देख के मैंने प्रेरणा ली, और आपने भी शायद मेरे वार्ड की 2-3 बार सर्वे किया है तो आपको भी जचा भाई, आशी के अंदर वार्ड नंबर 9 में सबसे ज़्यादा सफाई हुआ करता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संत यानी कि बाबा राम रहीम के एक प्रेमी हैं, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम आपका? हेमराज खट्टर। ये हेमराज खट्टर है, हेमराज खट्टर आज जो सफाई अभियान चल रहा है उसके दौरान एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं, वो क्या है वो उनसे बातचीत करेंगे। तो आप क्या करने वाले हो आज? मैं आज गरम डेरा सच्चा तरफ से अपना डेरे की तरफ से अपनी कितनी दान करना चाहता हूँ मैं। जिंदे जी जीते जी। देखिए हेमराज खट्टर ने घोषणा की है जीते जी, किसी भी व्यक्ति को किडनी की जरूरत है तो किडनी दान करने के लिए तैयार है। जिंदा जी है? जिंदा जी, कोई बिना स्वार्थ कोई लालच नहीं। कितने बार आप रक्तदान कर चुके हो? 53 बार खून दान कर चुका हूँ। 53 बार खून दान कर चुके हैं आप, किडनी दान करने वाले हैं, और सफाई अभियान शुरू हो चुका है। हम कैमरे से दिखाएंगे सफाई अभियान। हाँ सफाई अभियान खुद विधायक विनोद बैना और डेरा प्रेमी खुद कर रहे हैं सफाई अभियान का श्री गणेश। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज पूरे शहर को ये एक चमका डालेंगे, आज इनके हाथ में ये झाड़ू देख सकते हैं। सफाई अभियान का श्री गणेश कर दिया गया है और पूरे शहर को एक चमकाने की चमकाया जाएगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है आपको। ठीक है ये सफाई अभियान का शुभारंभ हांसी के विधायक नगर परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने कर दिया है, और डेरा प्रेमी मौके पर थे, और ये तस्वीर दिखा रहे हैं डेरा। हमारे साथ कुछ जो डेरा प्रेमी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? शीना मिंसा। तो आज क्या कर रहे हो? सफाई अभियान, हमारे गुरुजी के द्वारा 147 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, और ये सफाई अभियान एक उन्हीं में से है। हमारे गुरुजी पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लगे हुए हैं, और आज हमारा पूरे हरियाणा के अंदर सफाई अभियान चल रहा है। तो आप क्या नाम है? गीता इंसा। तो आप क्या कहोगे? हम भी यही कहेंगे कि पिताजी ने बहुत ही अच्छा काम किया है सफाई अभियान की, देश स्वच्छ रहेगा तो दुनिया जो है जी वो भी स्वच्छ ही रहेंगे, बीमारियां दूर होएंगी, और पूरा हरियाणा हमारा स्वच्छ होएगा। और हमारे गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये मानवता भलाई के कार्यों में हमारे गुरुजी हमेशा आगे रहते हैं, और हम यही सरकार से अपील करते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी परमानेंट बार भेज दिया जाए, ताकि हमारे देश का हमारे समाज का हमारे हर बच्चे का भला हो, परमानेंट यहाँ किया जाए। बाबा जी को ये मांग उठ चुकी है, डेरा प्रेमी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मानवता की भलाई के लिए कहीं ना कहीं परमानेंट उनको रिहा किया जाए, प्रोल नहीं बिल्कुल जनता के बीच में भेजा जाए, और कहीं ना कहीं वे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बाबा जी देश में से जो आजकल हमारे देश में सबसे गंदी बीमारी नशा चला हुआ है, और हर समाज में हर जगह पंजाब हरियाणा जहाँ भी देख ले बच्चे छोटे बच्चे नशों में लिप्त है, और हमारे गुरु जी ने अब ये मुहिम चलाई है कि ये जो नशा है वो हम जड़ से मिटा के रहेंगे। इसके लिए उन्होंने एक डेप्थ चलाया है, जिसकी डेप्थ मुहिम चलाई है, जिसके तहत हमारे जो डेरा प्रेमी है वो घर घर जाके नशा छोड़ने के लिए ये अभियान चलाएंगे, और मालिक ने चाहा तो जल्दी ही हमारा जो देश है वो नशा मुक्त हो जाएगा।
देखिए डेरा प्रेमियों की तरफ से जो महिलाएं हैं ये सामने आई है कैमरे पर, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा राम रहीम को परोल नहीं परमानेंट रिहा किया जाए, यानी कि ये मांग आज डेरा प्रेमियों ने उठाई है। और बीजेपी के विधायक हैं मौके पहुंचे हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं बाबा राम रहीम की जमकर प्रशंसा की है। एक दो तीन चार महीने तक नहीं भरेगा, लेकिन वो पॉलिथिन चार पॉलिथिन सफाई करने का अवसर हमें मिला है, बट मैं सोच रहा था कि जो है ना झाड़ू लेके चलो, फिर मेरा पार्टी में दस वापस मेरे होते हैं, अब सफाई हो जाता है इस टाइम। तो आगे से जब भी हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि सुबह सुबह जो है ना 6-7 बजे से आके और इस टाइम पर अपन जो है ना घर पर वापस चले जाए। लेकिन आप लोगों ने आज जो सफाई का बीड़ा उठाया, इसके लिए आप निश्चित रूप से विधायक के पात्र हैं। मैं चाहूँगा, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और आज मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, हम जब भी किसी भी सड़क पे देखते हैं, चाहे किसी सड़क पे निकल जाओ पूरे हादसे में या कहीं किसी गांव में, कहीं भी आप कहीं घूमने भी चले जाओ, किसी भी शहर में जो खूबसूरत शहर है, किसी भी शहर में चले जाओ, वहाँ पर हमें दो चीज़ें बहुतायत में मिलेंगी, पॉलीथीन और ये प्लास्टिक वाली बोतलें छोटी बड़ी जो भी। अगर ये उस जगह से हट जाए तो वो सफाई पर्याप्त हो जाती है। आज क्योंकि आप लोग काफ़ी संख्या में हैं और मुझे लगता है हादसे के नहीं हादसे मंडल के।